छत्तीसगढ़ में भाजपा की 10 लोकसभा सीटों में जीत के बाद गुरुवार को कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें सभी नवनिर्वाचित सांसद शामिल हुए थे। इसी दौरान बिलासपुर के नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू भी बैठक में मौजूद थे, जहां हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे ने उनसे खास बातचीत की है। तो आइए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राघवेंद्र पांडे की ओर। हमारे साथ मौजूद है बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू जी। सर, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी महिला मोर्चा की हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी 40-42 डिग्री टेम्परेचर पर घर से निकले और एक एक लोगों से मिले। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबने काम किए हैं, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीती है। इस बार बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से भी मंत्री पद मिलेगा छत्तीसगढ़ के सांसदों को, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेंगे कि कहाँ किसको मंत्री बनाना है और वो किसके भाग्य में है। 10 सीटें जीते, एक सीट में क्या चूक रह गई जिसके कारण आप लोग जीत नहीं पाए, क्या लगता है? इसकी समीक्षा हमारे प्रदेश नेतृत्व करेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संगठन की पार्टी है। कहाँ कमी हुई, कहाँ चूक हुई, उसके लिए आज से ही हम लोग मेहनत करेंगे। मेरा आखिरी प्रश्न है, दिल्ली कब रवाना हो रहे हैं आप लोग? 8:15 पर हमारी फ्लाइट है। तो ये थे हमारे साथ बिलासपुर के नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू जी, जिनका कहना है कि समीक्षा हो रही है एक सीट में कहाँ चूक हुई है। इसके अलावा प्रदेश की जनता को धन्यवाद दे रहे कि इतनी धूप में जाके वोट किया है, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 11 में से 10 लोकसभा सीटें जीती है। कैमरामैन नवेश के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।